दोस्तों सीधी बात नो बकवास की सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीबीपी कांस्टेबल की जो यहाँ पर वैकेंसी आई है जिसमें टेलर और कॉबलर की पोस्टों पर वैकेंसी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में इन पोस्टों की सच्चाई, कौन कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, साथ में आप किस स्टेट के निवासी हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आए किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहें तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा है या फिर किसी और फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने आईटीबीपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ डेटें वगैरह मेंशन कर रखी है, कब से इसके फॉर्म शुरू हुए हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। और नीचे यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दे रखी है कि कांस्टेबल टेलर में 18 वैकेंसी है टोटल, और कॉबलर यानी कि मोची होता है। दोस्तों कई लोगों को जानकारी नहीं होती कॉबलर मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, कॉबलर मतलब होता है मोची। तो मोची में यहाँ पर टोटल 33 वैकेंसी है जिसमें मेल फीमेल जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कोई भी कैंडिडेट है और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप चाहे तो यहाँ पर जनरल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक ही अप्लाई होगा। ये नहीं कि भैया एससी में आप हैं तो एससी से अलग कर दें और जनरल से अलग कर दें, आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जनरल से कर लीजिए चाहे आप एससी एसटी ओबीसी। ओबीसी में तो खैर किसी पोस्ट में वैकेंसी नहीं है, लेकिन एससी में भी वैकेंसी नहीं है टेलर वाली पोस्टों पर। खैर मैं बात कर रहा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर दूसरे ही पेज पर नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है कांस्टेबल टेलर एंड कॉबलर की पोस्टों के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर रखा है, भैया आप 10th क्लास पास होनी चाहिए तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रुक जाइए। साथ में यहाँ पर आपके पास कम से कम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। यानी टेलर के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो टेलर का आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मोची के लिए यानी कॉबलर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वही मोचीगिरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। अब कई लोग दोस्तों एक्सपीरियंस तो जुगाड़ से भी बनवा लेते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक ऑप्शन और दे दिया है, आपके पास 1 साल का कम से कम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आईटीआई का, या फिर जो आपने यहाँ पर टेलर या फिर कोबलर का कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, उसका आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड का। मतलब अगर आप टेलर की ट्रेड पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास टेलर का 1 साल का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए कि आपने टेलरिंग वगैरह सीखी है या फिर नहीं सीखी है। इसी तरीके से आपने मोचीगिरी यानी कि कोबलर वगैरह की आपको जानकारी है तो आपके पास उसका भी 1 साल का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए कम से कम 2 साल की, तो आप दोस्तों इन दोनों ट्रेडों पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मुझे पता है आधे ज्यादा जो कैंडिडेट के मन में आज चल रही थी, भैया अच्छी भर्ती आ गई आईटीबीपी की, इसमें फॉर्म को फिल कर देते हैं, वैकेंसी का में हो सकता है ज्यादातर कैंडिडेट फॉर्म ना डालें, तो भैया ज्यादातर कैंडिडेट फॉर्म डाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये वाले सर्टिफिकेट जो इसमें मांगे जा रहे हैं वो ज्यादातर कैंडिडेट के पास होंगे ही नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कहाँ के आप निवासी होने चाहिए तो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो दोस्तों ये सेंट्रल की वैकेंसी है और ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी आती है, यानी कि आप ऑल इंडिया में कहीं के भी निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो भैया यही जानकारी थी इससे रिलेटेड, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस पोस्टों से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।